तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त सेस हेल्पर, और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और नया पज़ल। तो यार, इस पज़ल में हमें कहा गया है कि तीन कैट्स हैं, ठीक है। वो एक सर्कुलर मेज़ पे हैं। ये सर्कुलर मेज़ मान लो तुम्हें एक सर्कुलर मेज़ है जिस पर ये तीन कैट्स जो हैं वो बैठी हुई हैं। तुम्हें एक डायरेक्शन चुनना है, ठीक है, और उस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो है ना, ये जो सर्कल है इसके सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग इन तीनों कैट्स को जो है रेंडमली वो मूव करेंगी। एक मतलब रैंडम डायरेक्शन ले लेंगी, कोई भी एक डायरेक्शन, और उसमें मूव करेंगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कैट्स जो है ना वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगी या फिर एक दूसरे से नहीं टकराएंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये तुम्हें बताना है। तो मैं चाहूँगा यार तुम वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट का समय लो और सोचो कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये कैट्स जो हैं तीनों आपस में ना टकराएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको इसका सही जवाब क्या था। तो इसका सही जवाब था यार 1/4, यानी 0.25। 0.25 प्रोबेबिलिटी होगी कि ये तीनों कैट्स जो हैं वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगी। अब मैं बताता हूँ कैसे। अभी मान लो यार हर कैट के पास ना सिर्फ दो ही चॉइस है, या तो वो क्लॉकवाइज जा सकती है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज जा सकती है, ठीक है। या तो वो क्लॉकवाइज जाएगी ऐसे या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी ऐसे। सारी कैट्स के पास, इस कैट के पास भी दो चॉइस हैं, इस कैट के पास भी दो चॉइस हैं, और इस कैट के पास भी दो चॉइस हैं। तो यार जब ये तीनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी ना, तभी सिर्फ एक ऐसा केस आ सकता है जिसमें ये कोलाइड नहीं करेंगी। मतलब अगर ये तीनों क्लॉकवाइज चलेंगी, ये क्लॉकवाइज जा रही है, ये भी क्लॉकवाइज ऐसे जा रही है, ये भी क्लॉकवाइज ऐसे जा रही है, तो कभी ये टकराएंगी नहीं। और ऐसी अगर ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, और ये कैट भी ऐसे ही जा रही है, तो अगर ये सेम डायरेक्शन में ऐसी जाती रहेंगी तो ये कभी कोलाइड करेंगी ही नहीं। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती, मान लो ये इधर आ रही है क्लॉकवाइज और ये जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कोलाइड हो सकती है। ये भी अगर ऐसी रहेंगी तो ये भी कोलाइड हो सकती है, ये भी ऐसी रहेंगी तो ये भी कोलाइड होंगी। तो क्योंकि हर कैट जो है उसके पास दो चॉइस हैं, तो टोटल जो चॉइस हैं वो कितने हो गए, मतलब टोटल जो मूवमेंट्स होंगे अलग अलग तरीके के वो कितने हो गए। 2 2 रेस्ट टू द पावर 3, यानी 2 × 2 × 2 8, मतलब 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन कैट्स के, जिसमें से 2 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, मतलब 2 ऐसे होंगे मूवमेंट्स या फिर 2 डायरेक्शन ऐसे होंगे जिसमें जो कैट्स हैं वो नहीं टकरेंगे। और वो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अगर ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज जाती हैं ऐसे, इधर 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 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तीनों सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी तो ये कभी भी नहीं टकराएंगी या फिर कभी भी नहीं मिलेंगी। और ऐसी अगर ये तीनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी तब भी ये कभी नहीं टकरेंगी या फिर नाम नहीं मिलेंगी। तो यार 8 में से 2 केस ऐसे हैं जहां पर ये कभी भी कोलाइड नहीं करेंगी कैट्स एक दूसरे के साथ। तो यार प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 2/8। तो 2/8 का क्या, जब हम क्या कहते हैं 2/8 की जब हम कटिंग करते हैं तो 1/4 मिलता है। तो यार इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कि कैट्स कभी भी कोलाइड ना करें वो है 0.25। तो यार इस पजल में इतना ही। मैं आपका दोस्त ऐसे हेल्पर, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए पजल के साथ।